चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बबलू को निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर बबलू खुद को निर्दोष बताता है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन बबलू पर अपने सीनियर से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर बबलू का तबादला करने पर तुला हुआ है, जो कि यूनियन और बबलू को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बबलू को निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक ओर बबलू खुद को निर्दोष बताता है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन बबलू पर अपने सीनियर से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर बबलू का तबादला करने पर तुला हुआ है, जो कि यूनियन और बबलू को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। पिछले चार दिन से चल रहे इस प्रकरण में आज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन की आउटसोर्स वर्कर्स यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक संकेतात्मक प्रदर्शन के साथ डायरेक्टर प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा तथा अपनी मांग रखी। यूनियन की एक ही मांग है कि बबलू को बहाल किया जाए और यदि उसका तबादला करना ही है तो अस्पताल के अंदर या उनकी शाखों में ही कहीं उसका तबादला कर दिया जाए, ना कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की किसी भी शाखा में चंडीगढ़ बाहर कहीं और तबादला किया जाए। आउटसोर्स वर्कर यूनियन के प्रधान सुखबीर सिंह जहां एक ओर प्रबंधन के साथ धक्केशाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आउटसोर्स वर्कर्स प्रोवाइडर कंपनी ट्रियो के मालिक कपिल कोहली का कहना है कि यह कोई पहली बार ही नहीं है जो बबलू ने ऐसा व्यवहार किया है। लगातार पिछले 8 साल से इसकी कई बार शिकायत देखने को मिली है। इसके चलते कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि इसका तबादला यहां से कर दिया जाए। बबलू को नौकरी से निकाला नहीं गया है, बल्कि उसका तबादला हमारी किसी दूसरी ब्रांच में किया जा रहा है। बबलू मीडिया व अपने साथी वर्करों और यूनियन को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फोर्थ क्लास यूनियन के प्रधान से और जानते हैं कि वो इस सारे जो प्रकरण है इसको किस एंगल से देखते हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम ओम कैलाश है जी। ओम कैलाश जी, आप मुझे बताइए बबलू का जो प्रकरण हुआ सारा, तो आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं? हम बबलू के जो इसके साथ जो ये एक शोषण हुआ, एक शोषण कह सकते हैं इसको, जो मैं GMCA सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ और उस नाते से जो ये हमारे जो वर्कर्स हैं ये मेरे उसमें आते हैं, क्योंकि GMC का ही एक ब्रांच है ये, और जितना भी GMC का ब्रांच है उसी को हम ही देख रहे हैं। पर ये एक सफाई कर्मचारियों के साथ एक बुरी तरह का एक दुर्व्यवहार, एक इसको शोषण कहा जा सकता है, जो कि सफाई कर्मचारियों को यहाँ काफ़ी समय से पहले भी प्रताड़ित किया जाता रहा है, लेकिन आज बबलू के साथ जिस तरह का षड्यंत्र रचा कर इस डिपार्टमेंट ने, यहाँ के जो हमारे जो जो JDA हैं और एक जो मैडम है अभी जो नाम बताया, इन लोगों ने एक बीच में अपनी एक षड्यंत्र बनाया है जिसके तहत एक मिसबिहेव में बहुत कुछ आता है। क्या मैं जानना चाहता हूँ मिसबिहेव किसको कहते हैं? क्या कपड़े फाड़े हैं बबलू ने? क्या उनकी कोई वोकरी है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करा? मिसबिहेव उसको कहा जाता है कि कपड़े फाड़ता है या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उसका मिसबिहेव होता है। पर इस तरह का कोई भी यहाँ नहीं हुआ, पर बबलू को ऐसे एक मिसबिहेव का वो लांछन लगाते हुए बबलू को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया गया। वो इसलिए क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, इनका कोई इतना वो तो है नहीं। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया ने हमारी बात को इसको बड़े संज्ञान में लाते हुए और पूरे चंडीगढ़ में इसको रखा गया है, तो मैं मीडिया के इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर बबलू का अभी भी डिपार्टमेंट ने हमारे को कोई इसका सलूशन नहीं दिया गया, बबलू को दोबारा ड्यूटी नहीं बुलाया गया, हमारे को हमारे DP साहब ने अभी इस बात को संज्ञान में लाते हमारे को बुलाया गया है, तो हम उनके पास जाते हैं। बाकी इस पर जो भी चर्चा होगी हम इसको फिर शेयर करेंगे। चलो साहब। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बबलू जी हैं इनके लिए अभी हम डिपार्टमेंट को 2 दिन का समय और दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर भाई बबलू जी को वापस ड्यूटी नहीं लिया गया तो उसके बाद जो भी हमारी प्रक्रिया उसको हम तो ज़्यादा बढ़ाएंगे और जो भी यूनियन की बनती कार्रवाई है वो प्रॉपर रूप से करेंगे और पूरे जो भी सफाई कर्मचारी है वो सारे बबलू जी के साथ आ जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।